श्री शिवाय नमस्तु। एक बहुत सुंदर सा एक उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आएगा, सबके काम आएगा। बैसाख के महीने में अगर पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, एक कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ाएं, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए। दूसरा क्रम, जो बच्चा विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन हैं, उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ शक्कर गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य कर लेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर जिसके यहाँ पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रख। बैसाख के महीने में तो आपको अगर शरीर में कहीं पथरी भी आ गई है ना, कहीं नेत्रों में अगर ज्योति कमजोर पड़ रही है, जाले पड़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो बैसाख के महीने में जो दुर्बा होती है इस दुर्बा को तोड़ लाओ। जहां अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदरी के स्थान पर उस दुर्बा को रख दो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम, कौन से महादेव का नाम लेना, कुंदकेश्वर, उस दुर्बा को उठा कर लिया। बैसाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप बैसाख के महीने में कर सकते, उस दुर्बा को लेकर आओ। लगभग 20-25 दुर्बा लेना, उसको लेकर आइए, सुबह सुबह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। एक दुर्बा रोज खाओ, जो पथरी है या नेत्रों में तकलीफ है या कोई ना कोई, रात्रि को नींद नहीं आना, बेचैनी हो जाना, घबराहट होना, धीरे 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 20 दिन की वो दुर्बा है, 20 दुर्बा एक एक दिन खाना चालू करो। 4 या 5 दिन लगेंगे, अपने आप आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी और बेचैनी। अशोक सुंदरी वाली जगह पर दुर्वा समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आली न जाता कोई खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बारे बसा, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे पसार।